हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रामगढ़ जिला। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हों, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामगढ़ जिला, रामगढ़ जिला झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है और यह सबसे नया जिला भी है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब 18 जिले थे, उसके बाद 6 नए जिले बने और उसमें जो अंतिम जिला बना वो रामगढ़ जिला है। इसका गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ। और आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि रामगढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। आइए सबसे पहले मानचित्र के माध्यम से रामगढ़ जिला को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने जो मानचित्र है ये रामगढ़ जिला का मानचित्र है। इसमें कई प्रखंड है और उनकी कुल संख्या 6 है। याद रखना है कितने प्रखंड हैं। रामगढ़ में कुल 6 प्रखंड हैं। एक है गोला, दुलमी, चितरपुर, रामगढ़, मांडू और पतरातू। इन जिलों को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड में रामगढ़ की स्थिति कहाँ है और कैसी है। आपके सामने झारखंड का मानचित्र होगा और इसमें आपको देखना है कि रामगढ़ जिला कहाँ स्थित है। ये रहा रामगढ़ जिला जो कि ब्लू कलर में है। और आपको बता दें कि ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं जिसमें से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जो भी आपको मानचित्र में ब्लू कलर में दिख रहा हो, ये सभी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के भाग हैं। इसमें कुल 7 जिले हैं और हजारीबाग इस प्रमंडल का मुख्यालय है। इसी का एक पार्ट है रामगढ़ जिला जो कि हजारीबाग से ही विभाजित होकर बना था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो रामगढ़ जिला है एक ओर से पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसके अलावा ये बोकारो, हजारीबाग और रांची के साथ अपनी सीमा साझा करता है। रामगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको मालूम होगा कि झारखंड में कुल 6 जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो लातेहार से कर्क रेखा प्रवेश करती है, गुमला के एक छोटे से पार्ट को कवर करके लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और फिर बोकारो, धनबाद नहीं जाती, बोकारो, ये बोकारो तक ही जाएगी। तो ये ऐसे 6 जिले होते हैं जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसमें एक है रामगढ़ जिला भी, ये बात याद रखना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि झारखंड में उत्तर में बिहार है झारखंड के, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में 2 राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़ और एक यूपी। इसके अलावा इस झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल जिसका मुख्यालय दुमका है, इस ओर पलामू प्रमंडल है जिसका मुख्यालय मेदिनी नगर है और इस ओर कल्हान प्रमंडल है जिसका मुख्यालय चाईबासा है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। इस तरह से हमने एक बार रिवीजन कर लिया मानचित्र का। आइए अब वैसे प्रश्नों की बात करते हैं जो सीधे हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं रामगढ़ जिला से संबंधित। पहला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 12 सितंबर 2007 को और ये झारखंड का 24वां जिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामगढ़ जिला किस प्रमंडल का भाग है? अभी आपने मानचित्र में देखा था उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला के अलावा 6 और जिले हैं जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के ही भाग हैं। रामगढ़ मिलाकर 7 जिला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रामगढ़ जिला का गठन किस जिले से विभाजित होकर हुआ था? आंसर है हजारीबाग जिला से विभाजित होकर बना था रामगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामगढ़ जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 1341 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल याद रखेंगे। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है?
आंसर है रामगढ़ जिला, और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले 1341 वर्ग किलोमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 949,443। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामगढ़ जिले की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आंसर है 13.10%, जो कि कम है, अच्छा है, आंकड़ा अच्छा है, क्योंकि 10 के जनसंख्या वृद्धि दर 13.10 है, जो कि न्यूनतम श्रेणी में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यही पूछा गया है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में रामगढ़ का कौन सा स्थान है? आंसर है 4था स्थान है। पहला स्थान धनबाद का है, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 708। और ये जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में इसका नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिलों में रामगढ़ का कौन सा स्थान है? आंसर है 3रा स्थान है। पहला स्थान धनबाद का है, फिर बोकारो, उसके बाद रामगढ़ और फिर पूर्वी सिंहभूम। ये ऐसे जिले हैं जहाँ का जन घनत्व अधिक है। 708 कहने का अर्थ हुआ कि 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 708 लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रामगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 921, और ये आंकड़ा काफ़ी निराशाजनक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में रामगढ़ का कौन सा स्थान है? आंसर है 2रा स्थान है। पहला स्थान धनबाद का है, जहाँ सबसे कम यानी कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है, उसके बाद रामगढ़ है, फिर बोकारो और उसके बाद आता है देवघर। 921 का अर्थ हो गया 1000 पुरुषों में मात्र 921 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामगढ़ जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 927, और ये आंकड़ा भी निराशाजनक ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में रामगढ़ का कौन सा स्थान है? आंसर है 3रा। पहले स्थान पर धनबाद आएगा, फिर आएगा बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, दोनों एक ही प्लेस पर हैं, उसके बाद है रामगढ़, हजारीबाग और फिर रांची। ये ऐसे जिले हैं जहां 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पाया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामगढ़ जिले में साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 73.17%, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है, यानी कि ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में रामगढ़ का स्थान कौन सा है? आंसर है 4था स्थान है। पहला स्थान आता है रांची का, फिर पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो। ये ऐसे जिले हैं जिसकी साक्षरता दर काफ़ी अच्छी है, उसके बावजूद यहाँ लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात सभी कम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में रामगढ़ का कौन सा स्थान है? आंसर है 4था स्थान है। पहला स्थान धनबाद का है, फिर पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो और उसके बाद रामगढ़। ये ऐसे जिले हैं जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कि कहीं कोई जिला में जो जनसंख्या है उसमें से अगर अधिकतर लोग नगरों में निवास करते हों और कम लोग ग्रामीण इलाकों में निवास करें, तो वैसे जगह को कहेंगे कि वहाँ की नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, और वैसे क्षेत्रों में आएगा धनबाद जिला, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामगढ़ जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है? आंसर है 1 अनुमंडल है, उसका नाम है रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 19, रामगढ़ जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं? आंसर है 6 प्रखंड हैं। एक है मांडू, रामगढ़, पतरातू, गोला, चितरपुर और दुलमी। अभी आपने मानचित्र में सभी प्रखंड को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामगढ़ जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? आंसर है 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र
रामगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है रामगढ़ और मांडू। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामगढ़ जिले से होकर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आंसर है NH-23 और NH-33। अगला है, रामगढ़ जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है दामोदर नदी, कोनार नदी, भैरवी नदी और बुकारो नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामगढ़ जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम क्या क्या हैं? आंसर है कोयला, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फायर क्ले और फेल्सपार। क्वेश्चन नंबर 24, रामगढ़ जिले में उद्योग कौन कौन से हैं? आंसर है इंडो आशाई ग्लास फैक्ट्री है, जो कि जापान की सहायता से लगाया गया था, लेकिन ये अभी कई वर्षों से बंद पड़ा है। रामगढ़ में उद्योग वैसे भी कम है और ये एक उद्योग है इंडो आशाई ग्लास फैक्ट्री, जो भी कई वर्षों से बंद पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है एक है रजरप्पा जलप्रपात और पतरातु डैम, और इसके अलावा चुट्टूपालू घाटी, जिसे लाल की घाटी भी कहते हैं। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 4 मीटर है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। पतरातु डैम जो है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है पर्यटक स्थल के रूप में, और जो है चुट्टूपालू घाटी, जिसे लाल की घाटी कहते हैं, ये 1857 की क्रांति में इसका भी काफ़ी योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं, पतरातु ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? आंसर है पतरातु प्रखंड के अंतर्गत आता है रामगढ़ जिला में, इसे PTPS कहते हैं, पतरातु ताप विद्युत गृह। रूस की सहायता से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 में PTPS को स्थापित किया गया था। इसकी विद्युत क्षमता आपको याद रखनी है 840 मेगावाट है, और PTPS में जो भी विद्युत बनकर तैयार होता है वो रांची स्थित HEC उसे आपूर्ति करा दी जाती है। और अगर आपसे पूछे कि PTPS जो है वो किसके अधीन कार्य करता है, तो याद रखना है JSEB के अंतर्गत कार्य करता है, फुल फॉर्म हो गया झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, यानी झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ जिला में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है एक माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा है और एक कैथा शिव मंदिर है, दोनों मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें से माँ छिन्नमस्तिका मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है याद रखिएगा। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, यानी कि जो मूर्ति है उससे धड़ और सर दोनों अलग है, इसी कारण इसे छिन्नमस्तिका कहते हैं। माँ काली का यह छिन्नमस्तक चंचलता का प्रतीक माना जाता है, याद रखेंगे। ये जो मूर्ति है इसकी एक ओर यानी कि दाएं साइड डाकनी है और बाईं ओर शाकिनी विराजमान है। देवी माँ के पैरों के नीचे रति और कामदेव विराजमान हैं, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती माँ के अंग गिरे थे, और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि जिन जिन स्थानों पर सती माता के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया था, और उन्हीं शक्तिपीठों में से इसे भी एक शक्तिपीठ के जैसी मान्यता प्राप्त है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं और उसमें से एक है छिन्नमस्तिका मंदिर। इस मंदिर का उपयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु भी करते हैं, ये भी एक याद रखने लायक चीज़ है। और ये जो क्षेत्र है काफ़ी वनों से घिरा हुआ है, जिस कारण इस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ एक प्रथा चली आ रही है, जब शारदीय दुर्गा पूजा होता है उस समय सबसे पहले संथाल आदिवासियों के द्वारा महानवमी की पूजा की जाती है और बकरे की बलि पड़ती है, उसके बाद अन्य लोग बलि दे पाते हैं। और यहाँ की शिल्प कला की अगर बात करें इस मंदिर की, तो ये जो शिल्प कला है वो असम के कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से काफ़ी प्रभावित दिखाई देता है, ये याद रखना है, शिल्प कला से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे कि कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से काफी प्रभावित दिखाई देता है छिन्नमस्तिका मंदिर।
ये जो मंदिर है उसे यहाँ के राजाओं के द्वारा भी काफी संरक्षण दिया गया था, और इसके आसपास जो तांत्रिक पुजारी पंडे बसे हुए हैं उन सभी को बसाने का काम भी इन्हीं राजाओं ने किया था। अगला मंदिर है कैथा शिव मंदिर। कैथा शिव मंदिर भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है। 17वीं सदी में रामगढ़ के एक राजा थे दलेल सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर की स्थापत्य कला की अगर बात करें तो इसमें मिश्रण है मुगल, राजपूत और बंगला स्थापत्य कला का। इस मंदिर का उपयोग दलेल सिंह सैन्य उद्देश्य से किया करता था। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कैथा शिव मंदिर से संबंधित, वो ये याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रामगढ़ जिला के अंतर्गत कौन कौन से किले हैं? आंसर है एक है रामगढ़ का किला और एक है गढ़ बांध का किला। रामगढ़ का किला जो है इसका निर्माण सबल राय ने करवाया था, और इस मंदिर की स्थापित्य कला की अगर बात करें तो मुगल शैली से काफी प्रभावित है ये किला। आगे बढ़ते हैं गढ़ बांध के किले की ओर। निर्माण 1670 ईस्वी में रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। यह किला 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का भी गवाह है। ये याद रखेंगे, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय रामगढ़ आए थे, इसका गवाह है गढ़ बांध का किला। रामगढ़ में का दो किले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ राज्य होगा कोई, और उसका नाम था रामगढ़ राज्य। हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन आइए बहुत संक्षेप में इसे भी एक बार दोहरा लेते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने की थी, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह ने की थी। इसने अपनी राजधानी सबसे पहले सिसिया को बनाया, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे अपनी राजधानी बदलता रहा क्योंकि इसने सोचा कि अपने शासन को स्थायित्व अगर प्रदान करना है तो समय समय पर इसने राजधानी को बदलना ही अच्छा समझा, और इसने सिसिया के बाद उड़दा को अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद और भी शासक आए, जैसे कि एक शासक था हेमंत सिंह, उसने उड़दा के बाद बादम को अपनी राजधानी बना ली थी। और उसके बाद एक और शासक आया जिसका नाम था दलेल सिंह, और ऐसा माना जाता है कि दलेल सिंह के समय में ही रामगढ़ राज्य सबसे अधिक विकास कर पाया था। इसने राजधानी रामगढ़ को बना लिया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बादम का क्षेत्र था वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के रास्ते में आता था। आपको मालूम होगा कि मुस्लिम शासक दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, और जिसके कारण लोग दक्षिण की यात्रा करते थे, झारखंड से होकर मार्ग गुजरता था। बादम उसके मध्य में आ जाता था, जिसके कारण यहाँ के राजाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते दलेल सिंह ने बादम से राजधानी उठाकर वो रामगढ़ में ले आया। उसके बाद आगे और भी शासक हुए, जैसे तेज सिंह जो शासक बना तो उसने अपनी राजधानी इचाक को बनाया, और उसके बाद एक और शासक बना ब्रह्मदेव नारायण सिंह, उसने पद्मा को अपनी राज्य की राजधानी बनाई। पद्मा जो है वो अभी हजारीबाग का क्षेत्र पड़ता है, हजारीबाग जिला का। पद्मा का किला भी फिलहाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, वो भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा। पद्मा जो है वो सबसे अंतिम राजधानी माना जाता है रामगढ़ राज्य का। उसके बाद कई वर्षों के बाद हमारा देश आजाद हो गया, और 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह के द्वारा जो स्थापित की गई थी रामगढ़ राज्य, उस राज्य को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कई वर्षों के बाद 2007 ईस्वी में ये एक जिला के रूप में बनकर खड़ा हुआ। तो ये कह सकते हैं कि ये जर्नी है रामगढ़ राज्य की या रामगढ़ जिले की। अगला प्रश्न है जो आपके लिए है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट में अभी के परिदृश्य में याद रखिएगा कि प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना रामगढ़ जिले में होगी ऐसा प्रस्तावित है, और देश का प्रथम कोलवाश्री घाटों रामगढ़ है। ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, आप याद रखेंगे। और कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इसका आंसर आप जरूर कर पाएंगे।
इसी के साथ इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।